नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं ऋचा, डिवाइन विजन आर्टिचार पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो आई होप आप सब अपना ख्याल रख रहे हो, यू आर सेफ एंड हेल्दी वेयर एवर यू आर इन दिस वर्ल्ड वॉचिंग दिस रीडिंग। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो कि मैं बहुत शिद्दत से मोहब्बत करती हूँ अपने सारे व्यूअर्स से जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल को डेली देखने आते हैं और मेरी रीडिंग्स को चेकआउट करते हैं, और इस चैनल की रीडिंग्स को चेकआउट कर करके वो मुझे मैसेजेस और मेल करते हैं कि मैम हमें बहुत फ़ायदा होता है आपकी रीडिंग्स देखने से। और थैंक यू सो मच आपकी इतनी मोहब्बत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैसे धन्यवाद करूँ, मतलब मैं लाइव आने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, मेरे लिए बहुत मायने रखता है, थैंक यू सो मच। एंड मैं थोड़ा सॉरी कहना चाहूँगी कि मैं डेली वीडियोज़ पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मुझे कुछ और भी काम मैं करती हूँ, सिर्फ ये नहीं करती हूँ टैरो। तो इसके लिए आप फिर भी मेरी पुरानी रीडिंग्स चेकआउट कर रहे हो और शिद्दत से चैनल से जुड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, और जुड़े रहेगा क्योंकि और रीडिंग्स में लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि अभी हमारी वैलेंटाइंस डे की रीडिंग पेंडिंग है, ठीक है? तो चलिए, और आज का जो टॉपिक है, टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो ब्रदर हैं, जैसे आपको पता है कि हम फैमिली की सीरीज कर रहे हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेज हो या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट डू दे थिंक ऑफ यू। तो किसी ने रिक्वेस्ट किया था ये, तो मैं अब सीरीज वाइज ही कर रही हूँ रीडिंग। तो मैंने पहले, हमने मदर की रीडिंग करी, फादर की रीडिंग करी, अब हम कर रहे हैं आपके ब्रदर की रीडिंग, ओके? तो फ्रेंड्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू योर फैमिली, एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए, ठीक है? और कोई किसी बात को, अगर कोई रीडिंग के दौरान आपको अच्छा फील हो रहा है, आप रेजोनेट कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा अनईजी फील हो रहा है, आपको लग रहा है ये तो मेरी रीडिंग है ही नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं, आप दूसरी पायल देख सकते हो, या आप हमेशा किसी भी टाइम आके दोबारा इस चैनल पर चेकआउट कर सकते हो रीडिंग को, ठीक है? चलिए, सो हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हैं दो पायल्स, ठीक है? और मैंने रखे हैं सिलेक्शन के लिए साईं बाबा कार्ड्स, ओके? पहला कार्ड हमारे पास सिलेक्शन के लिए है एबंडेंस, एबंडेंस। दूसरा कार्ड है अटैचमेंट, ओके? एबंडेंस, अटैचमेंट, abundance, attachment. So I hope you can see the cards. This is pile 1, abundance. This is pile 2, attachment. Pile 1, abundance. Pile 2, attachment. So like I tell you, close your eyes, take a deep breath, and universe, God, so kura se kaisi pile ki taraf aapko direct kare aur le jaye. And tab tak hum 5 seconds ke liye om chanting karenge. Aap 5 seconds le sakte hain. ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलिए, इफ यू नीड मोर टाइम आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, ठीक है? यू कैन पॉज द वीडियो इफ यू नीड मोर टाइम। ऑलराइट, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पाइल वन के साथ, जिन्होंने एबंडेंस कार्ड सेलेक्ट किया था, ठीक है? ओके, तो साईं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि अगर आपकी बॉन्ड, आपका रिश्ता आपके ब्रदर के साथ ठीक नहीं है, या कुछ मनमुटाव हो जाते हैं, तो वो सुधर सकता है, वो सुधरेगा, आगे जाके पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है? और आपके लिए पर्सनली मैसेज है कि आपको एबंडेंस मिलने वाली है लाइफ में, ठीक है? सो जस्ट हैंग ऑन टू द होप, ठीक है? उम्मीद मत छोड़िएगा, ठीक है? चलिए, सो देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग है, कि आपके जो ब्रदर हैं वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके भाई क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपके भ्राता क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है? चलिए, ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज एम्प्रेस, लवली एम्प्रेस, ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
king of pentacles, page of wands, the hermit, सेवन ऑफ पेंटिकल्स. मैं कार्ड थोड़ा अरेंज कर रही थी. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, Four of Cups and Nine of Swords. Okay. So, पहली बात तो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके भाई हैं, या तो आप हो या आपके भाई हैं, जो हो सकते हैं वो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन आपको दिखाते नहीं है, आपको बताते, मतलब आपको दिखाते नहीं है कि मैं, या बोलते नहीं है कि मैं इतना कि मैं देखो प्यार करता हूँ या तुम मेरे लिए मैटर करते हो, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनके जो भाई हैं, जो ब्रदर हैं, जो भ्राता हैं, वो मैरिड हैं, ठीक है. और आपको ऐसा लगता है कि जब से कुछ लोगों के लिए, हाँ, कि जो जब से भाभी आई हैं तो तब से या तो आपकी भाभी बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत यू नो लाइक उनका आपके लिए जो साथ है वो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है. कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो उनके भाभी जब से आई हैं तो भाई जो है वो उनके ही होके रह गए हैं, और वो जो है आपको जो बॉन्ड है आपका वो सफर कर रहा है, आपकी फैमिली के साथ जो बॉन्ड है वो सफर कर रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है. और ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है कि जो आपके भाई हैं वो आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल एनर्जी में देखते हैं, कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो या हो सकते हो, आप में बहुत पोटेंशियल है सक्सेसफुल होने की, आप आगे जाके राज करोगे, ऐसा वो चाहते हैं और ऐसा वो आपको देखना चाहते हैं, ठीक है. उनको ये भी लगता है कई बार कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो. जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू फ्रेंड्स. मैं पूरी एनर्जी सबके बारे में बता रही हूँ, ठीक है. हजारों लोग देखते हैं रीडिंग्स, तो जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, ठीक है. आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, ठीक है, कई बार तो वो चाहते हैं कि थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, ठीक है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, जिम्मेदारियां निभाओ अपनी, क्योंकि आपके अंदर एम्प्रेस बनने की ताकत है, ठीक है, या आपके अंदर एम्प्रर बनने की ताकत है. एम्प्रेस ही कहूंगी मैं, क्योंकि एम्प्रेस जो होती है उसकी एनर्जी अलग होती है, वो इगोइस्टिक नहीं होती है, वो नर्चरिंग और केयरिंग होती है, वो अपनी पावर को सही तरह से इस्तेमाल करती है, ठीक है. वो उनको ये भी लगता है कि कई बार आप जो है थोड़े इमेच्योरली बिहेव करते हो, ठीक है. आप थोड़े, आपके अंदर ना एक संगम है, मैं आपको बताती हूँ, आपके अंदर एक संगम है मैच्योरिटी का और इमेच्योरिटी का. कई बार आप मैच्योरली बिहेव करते हो, कई बार आप इमेच्योरली बिहेव करते हो, या हो सकता है आपने इमेच्योरिटी का एक यू नो नकाब तो नहीं कहूंगी मैं, बट कई बार एक फसाड होता है ना, जैसे मास्क पहन रखा है इमेच्योरिटी का, जैसे बचपना थोड़ा सा है आपके अंदर, तो वो चाहते हैं कि आप उससे थोड़ा, ठीक है, अब रखो. मैं तो कहती हूँ फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा बचपना ना अपने अंदर रखना चाहिए, वही चीज़ आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाती है और आपको जिंदा रखती है, ठीक है. सो ओके, सो और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, ठीक है. और आपको जितना मिले उतना आपको लगता है कम है मेरे लिए. मुझे पता नहीं आपको कि बुराई, आपको लग रहा होगा बुराई कर रही है मैम मेरी, ठीक है. तो ठीक है, आपको जितना मिले आप खुश नहीं होते हो उससे, ठीक है. आपको लगता है कि मेरे को और चाहिए और चाहिए, ठीक है. आप अपनी लाइफ से थोड़े डिसअपॉइंटेड हो, सेटिस्फाइड नहीं हो. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके भाई ने, आपके ब्रदर ने, भ्राता ने कुछ रिश्ता सजेस्ट किया था आपके लिए शादी के लिए, ठीक है, या आपकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आया था, ठीक है, जो आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने मना कर दिया,
ठीक है, तो वो चीज उनको ऑब्वियसली उनको अच्छी नहीं लगी, वो चाहते कि आप सेटल हो जाओ, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई आए जो आपको प्यार करे, वो ऐसा चाहते हैं। आपका जो दुख है वो भी नहीं छुपा है आपके भाई से, ठीक है, आपके ब्रदर से जो आपका दुख है वो नहीं छुपा है। आप रात को अगर सोते नहीं हो, परेशान रहते हो, कभी पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो मान लो, या आपकी नींद वैसे ही डिस्टर्ब्ड है, टेंशन में हो, आपकी जो टेंशन है ना वो छुपी नहीं आपके भाई से, उनको पता है कि आप जागते रहते हो, या आपकी नींद टूट जाती है, आपके अंदर कोई टेंशन है, एनजाइटी है, या आप डिप्रेशन में जा रहे हो, वो चीज़ उनको पता है, ठीक है, तभी वो चाहते हैं कि आप उससे बाहर आ जाओ, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, स्नेह करते हैं आपसे, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि आप उन अपने भाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए लकी हो, ठीक है, और उनके लिए लकी हो, क्योंकि आप उनके लिए, हो सकता है कि आपके आने के बाद, मुझे पता नहीं वो गाना, जब भी मैं बोलती हूँ ना आपके आने के बाद, मुझे वो गाना याद आ जाता है, आपके आ जाने से, ठीक है, ओके, हो सकता है आप लोग डांस करते हो उस गाने पे, दोनों भाई बहन, ठीक है, या भाई भाई, ठीक है। तो हाँ, ये जेंडरलेस और टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, मैं बोलूँ ना बोलूँ, सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड, अगर मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ तो वो टाइम बेस्ड है ऑब्वियसली, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि जैसे मैंने कहा कि आपके भाई जो है वो एक शांति का, सुकून का एक ऑफर आपको देना चाहते हैं, कि कोई बात नहीं, झगड़ा हो जाता है भाई बहनों के बीच में, भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है, अब हम चलो शांति पैचअप कर लेते हैं, ठीक है, तो इनिशिएटिव जो है वो लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर बाई चांस कुछ लोगों की अगर बातचीत नहीं हो रही तो वो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं बात करने की, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मुझे लग रही है कि थोड़ी ना यहाँ पे 7 की एनर्जी बहुत आई है, तो मुझे फील हो रहा है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी है आपकी लाइफ में, आपकी बिहेवियर में, आप जो है थोड़े कंफ्यूज्ड हो रहते हो, या आपके पास काफी ऑप्शंस होते हैं, आपको एकदम से काफी ऑप्शन, मान लो जॉब ऑफर्स काफी सारे आ गए, आप कंफ्यूज हो जाते हो, या कोई रिश्ते बहुत सारे आ गए, कुछ भी कोई चीज, आप बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो अभी, आप कंफ्यूज स्टेट में हो, या ऐसा आपके भाई को लगता है, ठीक है, ठीक है, उनको ये भी लगता है कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है, उसको इतना रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है, उसने बहुत इन्वेस्ट भी करते हो गए, आप उसके कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप बहुत इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आप आपको इतना रिटर्न नहीं मिलता, और वैसे भी फिगरेटिवली अगर हम कहें तो आप इन्वेस्ट करते होगे इमोशंस में, लोगों में, तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता, काम में, जॉब में, करियर में आपको उतना रिटर्न नहीं मिलता, ठीक है, तो ये चीज है। तभी आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है अबंडेंस, क्योंकि वो वही शायद आपसे कहना चाहते हैं कि आपको लाइफ में बहुत अबंडेंस मिले, और मिलेगी आपको, साईं बाबा भी कह रहे हैं आपको अबंडेंस मिलेगी लाइफ में, तो फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक है, तो वो ये चाहते हैं कि आप मेच्योरिटी से बिहेव करो, और मुझे भी लगता है कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि आप हीलर हो, टैरो रीडर हो, तो शुरुआत में हो सकता है कि आप हो सकते हैं या तो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपको लगता है बहुत कंपटीशन है, या आप उस अपने स्किल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो बेहतर तरीके से, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप उसको नहीं कर रहे हो इतने अच्छे से, ठीक है, तो कुछ तो है जिससे आप डिससेटिस्फाइड हो, आपका करियर हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, कुछ तो है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि आप मेच्योरिटी से बिहेव करो, और दूसरों को रास्ता मार्गदर्शन आप बहुत अच्छा करते हो, तो दूसरों का मार्गदर्शन अच्छा करो, ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की पाइल वन की रीडिंग, ठीक है, आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड अगर आपका दिल कहता है कि मुझे इस चैनल कैसा, इस फैमिली कैसा बनना चाहिए, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो, ये ओके, सो चलिए, तो मैं आपको मिलूंगी नई रीडिंग में, पायल वन, टडा, चलिए वेलकम पायल टू, जिन्होंने कार्ड सेलेक्ट किया था अटैचमेंट, इन बींग ओवर अटैच योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निग्लेक्ट योर सोल पर्पस, तो साईं बाबा का ये मैसेज है कि अपनी दुनियादारी में इतने मत खो जाओ कि आपका जो सोल पर्पस है उसको खो दो आप, या भूल, सॉरी, मतलब खो नहीं दो, भूल जाओ उसको आप, ठीक है, सॉरी, आई डोंट नो वाई मैंने खो दो बोला, ठीक है, कुछ तो बात होगी, कुछ तो कारण होगा, ठीक है, तो हो सकता है आपकी काफी अटैचमेंट है अपने भाई से, आप बोलोगे मैम ये क्या बात हुई, तो होगी अटैचमेंट, फैमिली है मेरी लेकिन कुछ लोग दिखाते नहीं है ना, तो आप वो आपके भाई जो आपसे काफी अटैच्ड हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे काफी, और वो दिखाते ना दिखाते लेकिन आपसे काफी अटैच फील करते हैं, ठीक है,
कुछ लोग हो सकता है कि या तो वो दूर रहते हैं या आप दूर रहते हो या अलग रहते हैं फॉर वट्स एवर रीजन्स एक्स वाई जी रीजन्स. सो यू नो इस वजह से आपको लगता है कि वो अटैचमेंट नहीं है, तो वो अटैचमेंट है. ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं. चलिए अब आपकी कार्ड देख लेते हैं, क्या कहते हैं कि आपके भाई की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में. जो भी हमें दिखे वो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, एंड देन याद रहे जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. पहला कार्ड हमारे पास आया है थ्री ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड हमारे पास आया है एस ऑफ वांड्स, ओके क्वीन ऑफ कप्स, द मून, एट ऑफ स्वॉर्ड्स. कमाल की बात यह है कि दोनों पाइल्स में मदर के कार्ड्स आए हैं, दोनों पाइल्स में. ओके यूनिवर्स थैंक यू. कुछ तो बात होगी जो दोनों कार्ड में मदर के कार्ड आए हैं, मॉम के. ओके जी, देखते हैं अब क्या मैसेज है आपके भाई की तरफ से, भ्राता की तरफ से, ब्रदर की तरफ से आपके लिए, क्या सोचते हैं वो. मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप आई डोंट नो वाई, मुझे कुछ लोगों के लिए फीलिंग आ रही है कि आपके जो भाई हैं वो आपके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, या आपके घर में कोई मेल फिगर है जो आपके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे ना करो वैसे ना करो, बंधन में आपको, मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस में आपको रखा हुआ है. डूज एंड डोंट्स काफ़ी सारे हैं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये. ठीक है, और वो आपके लिए काफ़ी, उनको लगता है कि आप काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी काफ़ी इमोशनल पर्सन हो आप हीलर भी हो सकते हो. ठीक है, या टैरो रीडर हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो आप. लो आप मतलब लोगों के सेंटेंसेस कंप्लीट करते हो, लोगों की सोच को समझते हो, आप एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, इमोशनल पर्सन हो. कई बार आप भावनाओं में बह जा बह के फैसले करते हो, कई बार आप मेहनत करते हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है. ठीक है, आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, आपको एनिमल्स बहुत पसंद हैं, आपको हो सकता है कुकिंग भी आप ठीक ठाक या अच्छी कर लेते हो. ठीक है, और आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हो, जैसे कुछ क्रिएटिव फील्ड में या कुछ ऐसे फील्ड में जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे डॉक्टर्स या कुछ मैकेनिकल समथिंग लाइक दैट. तो ठीक है, मुझे ये दिख रहा है कि आप जो भी काम करते हो बहुत शिद्दत से और पूरी 100% देके करते हो. ठीक है, और आप वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में, हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ एंडिंग हुई है किसी तरीके की, कुछ चैप्टर क्लोज हुआ है या कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हो अपनी लाइफ में. तो नई शुरुआत करो, लाइफ में करो नई शुरुआत, और भगवान आपके साथ है. ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में थोड़ा बहुत टेंशन लेते हो आप, क्योंकि मून का कार्ड आया, उसके आपके भाई के साथ कुछ ईगो क्लैशेस हुए हो या कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो. ठीक है, या आपकी आपके मतलब मम्मी जो है वो किसी एक को, आपको लगता है कि मेरी मम्मी किसी एक को फेवर करती है, उसको फेवर करती है मुझे नहीं करती है, या उनको ऐसा लगता है कि वो आपको फेवर करती है मुझे नहीं करती है. तो कुछ भी ऐसा है तो वो ये चाहते हैं कि यार लाइफ में इतनी टेंशन नहीं लेने का. ठीक है, चिल रहो, चिल मारो, थोड़ा पार्टी शार्टी, मतलब मुझे लगता है इसके दो मैसेजेस मैं आपको बता दूं. पहले, अगर आप बहुत पार्टिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, तो ठीक है, बहुत मुझे भी फील हो रहा है कि अनहेल्दी खाते हो, तो वो चाहते हैं कि आप ध्यान दो अपनी हेल्थ पे, और इतनी थोड़ा काम पे भी ध्यान दो, और इमोशंस को बैलेंस करके चलो, और अपना इतना पार्टी शार्टी मत किया करो. और ऑन द फ्लिप साइड, जो लोग बहुत सैड एनर्जी में हैं, जो थोड़े टेंशन की एनर्जी में, वो चाहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स करो, अनवाइंड करो, थोड़ा फ्रेंड्स लोगों से मिला करो, थोड़ा चिल मारा करो. ठीक है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, मैंने आपको दोनों सिचुएशंस बता दी है. ठीक है, उनको ये भी लगता है कि आप थोड़े से, मुझे आई डोंट नो बाय, मिस्टीरियस फीलिंग आ रही है मुझे, मिस्टीरियस, आप थोड़े से मिस्टीरियस हो, आपके बारे में कुरेद कुरेद के जानना पड़ता है क्या चल रहा है लाइफ में. ठीक है, मुझे ये फीलिंग आ रही है. मुझे ये भी आ रहा है कि कुछ बातें उनको लगता है कि आप उनसे छुपाते हो, आप उनसे शेयर नहीं करते, या आपको लगता है कि वो आपसे बातें छुपाते हैं, आपसे शेयर नहीं करते. मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि उनको लगता है कि आप उनसे बातें छुपाते हो, आप उनसे शेयर नहीं करते. ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी उन्होंने आपको कुछ गलत बोला था या कुछ हो ही जाता है यार फैमिली में, तो उनको उस बात का उनको बुरा लगता है. ऐसी बात नहीं, आपको लगता है कि वो मुझे रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, आपको डांट देते हैं, कभी प्यार से आपके भले के लिए डांटते होंगे, तो उनको बुरा लगता है उस चीज का. ऐसा नहीं कि उनको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मेरे को ईगो सेटिस्फाई होगी, नहीं, नो, उनको बुरा लगता है इस चीज का.
ठीक है. एंड तो ये चीज है, मुझे ये भी फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए, पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग क्राइंग क्राइंग, आई एम हियरिंग क्राइंग. तो हो सकते हैं आपके भाई जो है आपको अकेले में जो है वो रोए हैं आपको याद करके. ये उन लोगों के लिए है, सॉरी टू से, बट उन लोगों के लिए जिनके जो भाई हैं वो उनसे दूर हैं, ब्रदर जो है उनसे दूर रहते हैं, या कुछ डिस्टेंस है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है, कुछ फ्यूड हुआ है, या कुछ सॉरी टू से, बट 10% लोगों के लिए हो सकता है कि ही इज नो मोर. तो वो जो है आपको दुखी देख के वो रोते हैं, ठीक है. तो आप उनको जो है खुश रहा करो, वो ये चाहते हैं, ठीक है. सभी जोरिक साइंस के लिए रीडिंग थी, ठीक है. और ये थी आज की रीडिंग, ठीक है. और पाइल 2, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है रीडिंग्स लाने में. उसके बाद भी अगर आप ऐसे चले जाते हो तो बड़ा बुरा लगता है फ्रेंड्स, बिकॉज आई लव यू अ लॉट. ओके, तो चलिए मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में नए शुरुआत के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज यू आर प्रेशियस टू मी एंड योर फैमिली. ओके, सो रिमेंबर टू स्टे ट्यून टू दिस चैनल, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटिंग रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ. एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग दिस सीरीज जो मैं लेकर आई हूँ, और जो चल रही है जो सीरीज है. तो चलिए, हैव अ वंडरफुल डे अहेड. आपकी कोई विश है जो आज पूरी हो जाए, और याद रहे एक फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर कोई विश आपकी पूरी नहीं होती है, या अगर कोई रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट करती है, अगर कोई जॉब आपको नहीं मिलती है, तो याद रखे कुछ अच्छा आपके लिए, समथिंग बेटर इज इन स्टोर फॉर यू. कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है, कोई वजह है, कोई कारण होगा कि वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही है, क्योंकि वो एवरेज होगी और जो आपको मिल रहा है वो बेस्ट है. जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, आपको बाद में समझ में आएगा कि जो आपके लिए बनी है चीज वो आपको जरूर मिलेगी, कोई आपसे नहीं छीन सकता, ठीक है. चलिए, सो बी ग्रेटफुल, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ओके, एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहेगा, मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव चीजों को, और देखिए जिंदगी में कैसे खूबसूरत बदलाव आते हैं, ठीक है. तो इस नोट के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी. नमस्कार.